आनंद मौज मस्ती ये ईश्वर की देन है। आनंद मौज मस्ती ये ईश्वर की देन है। टेंशन यह खरीदनी पड़े, ये अर्जित करनी पड़ती है। सारे टेंशन से भरे पड़े, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें टेंशन हो। कितनी शिक्षा दे लो, कितना यो कर लो, भागे भागे फिरे बिना मतलब। कोई जीवन नहीं बिना मतलब कोई टेंशन की पैदा करें। बताऊंगा आपने किसकी कैसी कैसी टेंशन ले रखी है बिना मतलब की। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि जीना है, और वो बेहतर ढंग से जीना है बस। लेकिन भाग भाग फिर रहे हैं। एक आदमी अपनी तीसरी मंजिल पर टहल रहा था, देखिए कहां, तीसरी मंजिल पर टहल रहा था। नीचे से आवाज आई, लड़े करतार सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। बस वहीं बेहोश हो गया, तो सोच खत्म। तीसरी मंजिल जीना भूल गया कहां है। तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसके याद आया कि उसके तो लड़की है ही नहीं। और जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसके याद आया कि उसकी तो शादी भी नहीं हो रही। और जब वो धड़ाम से धरती पे गिरा तो उसके याद आया कि उसका नाम भी करतार सिंह नहीं है। बेहोशी में घूम रहे हैं, होश ही नहीं है। तो होश से जियो। स्वामी जी यही सिखाते हैं आपको कि जीना है बस। और जीना कैसे है, होश से जीना है, करतार सिंह की तरह नहीं जीना है। बिना मतलब की टेंशन लो है मत। बताऊंगा आपको कैसी कैसी छोटी छोटी टेंशन हमने ले रखी है बिना मतलब की टेंशन। सुनिए क्या टेंशन ले रखी है जी। आप मंदिर में जाते हो, जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाकर आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूते के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे हैं। क्योंकि जूते उठा लिए तो नए लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन ठावे है, बैठा बेचारा कदे पूजा कर लिए उसकी बिना मतलब की टेंशन। अच्छा एक टेंशन मैं ऐसी बता दूं आपने जिसका कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी। भैया साला था कौन जो नमस्ते करके गया। यानी नमस्ते से भी टेंशन पैदा होती है साहब। अच्छा पति पत्नी जा रहे हो, को लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन। सारी उम्र पूछेगी बताओ कौन थी जो नमस्ते करके गया। तो ये छोटी छोटी टेंशन मैं बताऊंगा, इसका दूर करने के उपाय भी बताऊंगा। अपने हरियाणा के उपाय हैं वो, हरियाणा के। पहले बता लूं टेंशन क्या क्या पर रखी है। पैदा होते ही टेंशन। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, माँ बाप ने टेंशन यह हो जाती है कि अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है। मैं तो दिल्ली से आया हूं जी, दिल्ली के अंदर आपको सबको मालूम होगा नर्सरी एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं। अब माँ बाप बड़े परेशान, बड़ी टेंशन में रहते हैं। अच्छा बच्चा दाखिल भी हो गया, चलो दाखिल हो गया तो माँ को ये टेंशन रहती है कि आज बच्चा पढ़ के आया। पहले दिन स्कूल में गया, 20 किलो का वजन, 2 बजे स्कूल तक घर आया, माँ टेंशन में यह बैठी जिन्हों आज जे एमए की डिग्री लेके आओगा। आते बच्चे से पूछ लिया, बच्चा हरियाणा का था ध्यान रखना, आते बच्चे से पूछ लिया, बोले बेटा आज स्कूल में क्या हुआ। बच्चा ने बस्ता फेंक के मारा, नहीं बोले आज कुछ नहीं होया, कल फिर जाना पड़ेगा। बिना मतलब की टेंशन होता, बिना मतलब की टेंशन ले लेंगे खाम खाती। एक और मारा अपना हरियाणा के छोरे से पूछ दिया। मैं ये कहता हूँ हरियाणा का आदमी कोई टेंशन नहीं लेता बच्चों से भी, लेकिन ऐसी टेंशन दे रखी है पढ़ाई के बच्चों को कि 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे भी सुसाइड करने लगे हैं। वो चला गया जी, वो मास्टर ने पूछा उसने, बोला कल्पना करो कि तुम एक कमरे में बंद हो और कमरे में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे।
बच्चा हरियाणा का है, टेंशन लेनी नहीं है। निबला जी मैं कल्पना करनी बंद कर दूंगा। सीधा सा क्यों टेंशन ले। एक और पूछ लिया उससे, बोला 12 साल, मास्टर जी ने पूछा मामला होता है कि 12 साल कुत्ते के दुम को नलकी में रखा और 12 साल के बाद बाहर निकाल ली तो वो टेडी की टेडी निकली, इसका क्या अर्थ है। बच्चा हरियाणा का, निबला जी इसका कुछ अर्थ नहीं, यू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो जी हमने लेते थे।